हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षिता गुप्ता। आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये टॉपिक इनकम टैक्स का है। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फाइव हेड्स ऑफ इनकम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इनकम टैक्स में फाइव हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, मींस ये हमारे इनकम के सोर्स होते हैं। ठीक है, सेक्शन 14 ये कहता है कि कौन सा हेड किस सेक्शन तक रहता है। फर्स्ट हेड जो हमारा होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेक्शन 15 से स्टार्ट होता है 17 तक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 से स्टार्ट होता है 27 तक, इनकम फ्रॉम PGBP मतलब प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये सेक्शन 28 से स्टार्ट होता है 44 तक, कैपिटल गेन। ये सेक्शन 45 से स्टार्ट होता है 55 तक, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये सेक्शन 56 से स्टार्ट होता है 59 तक। ये हमारा लास्ट हेड है और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, आपको सेक्शन 14 अच्छे से याद होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कितने हेड्स ऑफ इनकम हैं हमारे और इनके सेक्शंस कौन से हैं। सेक्शन आपको ईजिली अगर याद होगा तो आपको चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सैलरी हेड, ये इसके मैं इंडिविजुअली वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी। ओके, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अपने आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब होता है कि वो इनकम जो हमारी पहले के चार हेड में ना जाए, मतलब पहले के वन से फर्स्ट हमारा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और कैपिटल गेन, इन फोर हेड्स में वो टैक्सेबल ना हो, वो इनकम हमारी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पहला पॉइंट, ये कौन सा हेड है? ये हमारा फिफ्थ हेड है। इसमें सेक्शन कितने हैं? 56 से 59 तक। ओके, अब स्टूडेंट्स, इसमें जो टैक्स चार्ज होता है, मतलब किस बेस पे टैक्स चार्ज होता है, तो SSC की इनकम ड्यू हो और पेड हो। ड्यू बेसिस पे भी चार्ज होता है इनकम टैक्स और पेड बेसिस पे भी चार्ज होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को रेजिडरी हेड ऑफ इनकम भी कहते हैं। पहला सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 56। सेक्शन 56 इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, सेक्शन 56-1, सेक्शन 56-2। सेक्शन 56 जनरल इनकम से रिलेटेड है और सेक्शन 56 जो सब सेक्शन 2 है वो स्पेसिफिक इनकम से रिलेटेड है। सेक्शन 56-1 क्या कहता है वो मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 मतलब जनरल इनकम। जनरल इनकम पहला पॉइंट आपका है, इनकम ऑफ एवरी काइंड। इनकम ऑफ एवरी काइंड का मतलब किसी भी तरीके की इनकम, ठीक है, टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल कर देंगे, मतलब कोई भी तरीके की इनकम पर हम टैक्स पे करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बट प्रोवाइड टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। उसको जो भी इनकम होगी उनको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। सबसे पहली कंडीशन, इनकम शुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, मतलब सॉरी इनकम शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, मतलब वो इनकम जो अंडर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट ना हो, ठीक है। और दूसरा, वो इनकम शुड नॉट बी टैक्सेबल अंडर द प्रीवियस फोर हेड। मतलब ये जो मैंने आपको अभी फोर हेड्स बताए थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और कैपिटल गेन, मतलब वो इनकम जो इन चारों हेडों में से हमने कहीं पर भी टैक्सेबल ना की हो और वो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट भी ना हो, वो इनकम हमारी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और उस इनकम को हम क्या कहेंगे? जनरल इनकम कहेंगे। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उस पर हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, तो वो एक तरीके से हमारी इनकम है। वो कहाँ चार्ज होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड, ठीक है, और पेंशन इज लीगल हायर, या परक्यूजिट्स ऑफ नॉन एम्प्लॉयर। परक्यूजिट्स ऑफ नॉन एम्प्लॉयर या फिर परक्यूजिट्स ऑफ नॉन एम्प्लॉयर का क्या मतलब हो गया? जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी कंपनी में, हमारी कंपनी, हम डायरेक्टर हैं, हम उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, हमें जो भी इनकम हो रही है वो हमारी चार्ज होगी जाके
रिलेटेड हेड में। बट अगर हम कंपनी में डायरेक्टर के साथ में हम कोई और वर्क भी वहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम अकाउंटेंट का वर्क देख रहे हैं, तो आप अकाउंटेंट के से जो हमें जो भी परक्यूजिट्स हो रहे हैं, जो भी परक्यूजिट्स हमको मिलेंगे, तो वो इनकम को हम किस में चार्ज करेंगे, वो हमारी जनरल इनकम का पार्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी इनकम जो उसकी होगी एज अ डायरेक्टर, वो हमारा, जैसे मान लीजिए एज अ डायरेक्टर हमको सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी हेड में चार्ज होगी, ठीक है। बट एज अ अकाउंटेंट हम डायरेक्टर की सैलरी ले रहे हैं और अकाउंटेंट का भी हम काम कर रहे हैं, तो वो जो अदर इनकम होगी, हम नॉन एम्प्लॉयर हो गए, तो नॉन एम्प्लॉयर के जो भी परक्यूजिट्स होंगे वो हमारे जनरल इनकम कहे जाएंगे। वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 का पार्ट हो गया, मतलब उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बेटा स्टूडेंट्स लिए हैं, और भी इसमें हैं। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक इनकम। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में स्पेसिफिक इनकम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड ओनली, मतलब वो इनकम जो सिर्फ पीजी, मतलब आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में चार्जेबल होते हैं। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ़ नॉट टैक्सेबल पीजीवीपी हेड, मींस मतलब वो इनकम जो पीजीवीपी हेड से रिलेटेड है, बट अगर हमने पीजीवीपी हेड में चार्ज नहीं की है, ठीक है, पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल नहीं की है, तो वो सारी इनकम्स को हम स्पेसिफिक इनकम कहेंगे और वो चार्ज होगी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ़ नॉट टैक्सेबल अंडर द पीजीवीपी और सैलरी, मतलब वो इनकम जिनको हमने पीजीवीपी के हेड में टैक्सेबल नहीं किया है और ना ही हमने सैलरी के हेड में टैक्सेबल किया है, उनको हम स्पेसिफिक इनकम में काउंट करेंगे और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट हो जाएगा। तो ये 9 टाइप की इनकम है। पहला आपका इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड ओनली, मतलब वो इनकम जो हमारी सिर्फ इसी हेड में चार्जेबल होंगी। फिर सेकंड आपका है, उसमें आपकी कौन कौन सी इनकम आएगी, डिविडेंड इनकम आएगी जो सेक्शन 56 और सबसेक्शन 2 में बताया गया है। देखिए मैंने सारे इनकम्स के आगे उनके सबसेक्शन सेक्शन सारी चीज़ें डिफाइन की है, ठीक है। तो पहले वो इनकम हम पढ़ते हैं जो सिर्फ इस हेड से रिलेटेड, जैसे कि डिविडेंड इनकम हो गया, कैजुअल इनकम हो गया, कैजुअल इनकम जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, रेसिंग हो गया, आपका गेम्स हो गया, तो इन सब कैजुअल इनकम मतलब जो हमारी अनएक्सपेक्टेड इनकम होती, कैजुअली हमें मिल जाए, ठीक है, तो वो हमारी कैजुअल इनकम होगी। गिफ्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन हमें अमाउंट मिल रही थी उस पर जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो किस में चार्ज होगा, हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। या एडवांस मनी फॉरफिटेड, कोई भी एडवांस मनी हमको मिल रही है तो वो भी हमारी कहाँ चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये 5 हेड्स जो, ये जो 5 इनकम्स हैं ये सिर्फ इसी हेड में चार्जेबल होते हैं। फिर बात करते हैं, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो पीजीबीपी में भी चार्ज होती हैं, पीजीबीपी में भी मतलब टैक्सेबल होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ़ नॉट टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी हेड, मतलब वो इनकम जो हमने पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल नहीं की हो, तब वो कहाँ चार्ज होंगी, हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जैसे कि पहला आपका है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, कंपोजिट रेंट इफ़ नॉट सेपरेटेबल, ठीक है। तो ये 3 टाइप की जो इनकम है ये हमारी इसमें आ जाएंगी। फिर वो इनकम जो ना तो पीजीवीपी में हमने टैक्सेबल की ना सैलरी में हमने टैक्सेबल की है, वो भी इसमें आएगी। जैसे कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये 9 टाइप की जो इनकम्स हैं इनको हम स्पेसिफिक इनकम कहते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया जनरल इनकम क्या होता है, कि जब कोई भी तरीके की इनकम वो टैक्सेबल करेंगे हम अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बट उसको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले वो आपने एग्जिम्प्ट ना हो अंडर सेक्शन 10 में है, और जो प्रीवियस 4 हेड्स हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी एंड कैपिटल गेन, इन चारों हेड में हमने उसको टैक्सेबल ना किया हो, तब वो इनकम हमारी इस हेड में होगी। ओके, सबसे पहले हमने अभी आपको यहाँ पे डिविडेंड इनकम बताया, डिविडेंड इनकम डिस्कस करते हैं। डिविडेंड इनकम सेक्शन 56 सेक्शन 2(1) में डिफाइन किया गया है, चार्जेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इन हैंड ऑफ द शेयर होल्डर, हम तभी चार्ज करेंगे जब शेयर होल्डर के हैंड में होगी, ठीक है। अब डिविडेंड, इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, अगर हमें डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की किसी कंपनी से हमें डिविडेंड मिल रहा है, हमारा आंसर क्या हो गया, यस, हाँ हमें डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है। तो अगर हमें डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो हम देखेंगे कि
इन केस ऑफ एक्चुअल डिविडेंड, कि क्या वो एक्चुअल डिविडेंड है या इन केस ऑफ डीम्ड डिविडेंड। अगर हमारा जो डिविडेंड है वो एक्चुअल डिविडेंड है तो डज द एग्रीगेट डिविडेंड एक्सीड 10 लैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कि हमारे प्रीवियस ईयर, ईयर कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर जिसमें हम उस पर टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस ईयर, अब 17-18 में जो हमने इनकम अर्न की है वो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, उस पर हम टैक्स कब पे करेंगे, नेक्स्ट 18-19 में, तो वो हमारा असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है। डज द एग्रीगेट डिविडेंड एक्सीड 10 लैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कि हमने प्रीवियस ईयर में कितने भी डिविडेंड, हमने मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज में, डोमेस्टिक कंपनीज में हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमें बहुत सारी कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, उस डिविडेंड का जितना भी हमें प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मिल रहा है उनका हम टोटल कर लेंगे। अगर वो टोटल 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, एक्सीड 10 लैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर 10 लाख से ज़्यादा है मतलब हमारा आंसर येस हो गया। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 10 लाख तक एग्जिम्प्ट रहेगा, एग्जिम्प्ट मतलब उस पर हमें छूट मिलेगी, उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना, एग्जिम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में, और जितना रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग पार्ट पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 10% की रेट से अंडर सेक्शन 115 मतलब 115 BBDA में, ठीक है, समझे। जैसे कि मान लीजिए कि हमें प्रीवियस ईयर में 17-18 में हमको जो डिविडेंड मिला वो 11 लाख मिला। अब आपको पता है कि 11 लाख इज एक्सीड 10 लाख, तो 10 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया, 10 लाख पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, कितना रिमेनिंग बचा 1 लाख, तो 1 लाख पे हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ओनली 10%। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर हमारी अमाउंट जो है 10 लाख से कम है, यहाँ पे क्या लिखा है, नो, ठीक है, देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हमारी डज द एग्रीगेट डिविडेंड एक्सीड 10 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब नो अगर इसका आंसर है कि नहीं हमारी जो डिविडेंड इनकम है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अगर नहीं आंसर होगा तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी लास्ट लिमिट क्या है, 10 लाख है, अगर 10 लाख से ज़्यादा नहीं है इसका मतलब वो एग्जेम्प्ट हो गया, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 और सब सेक्शन 34 में। क्लियर, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, इसी में ही देखिए 2 केसेस थे, इन केस ऑफ एक्चुअल डिविडेंड, इन केस ऑफ डीम डिविडेंड। इन केस ऑफ एक्चुअल डिविडेंड में आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा डिविडेंड प्रीवियस ईयर में 10 लाख से ज़्यादा होगा, 10 लाख से ज़्यादा है मतलब यस, और अगर ज़्यादा है तो 10 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 34 में। अगर 10 लाख से जितना भी ज़्यादा होगा, 10 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया, उससे जितना ज़्यादा होगा उस पर हमें टैक्स 10% की रेट से टैक्स देना होगा अंडर सेक्शन 115 BBDA पे। अगर 10 लाख से कम है इसका आंसर मतलब नो हो गया, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में। इन केस ऑफ डीम्ड डिविडेंड, अगर हमारा डीम्ड डिविडेंड है तो डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है मैं ड्रॉ करती हूँ ये वाला, अगर डीम्ड डिविडेंड आपका है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 A to D, ठीक है, A to D में डीम्ड डिविडेंड आता है, तो ये जो पूरा प्रोसीजर है आपका ये वाला, ये पूरा ब्लॉक इसमें ऐसे ही फॉलो हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर आपका डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E में है, ठीक है, डीम्ड डिविडेंड आता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E में, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा आपका उसी में ही अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में। फिर ये तो बात हो गई यस, जब हमारा आंसर यस होगा, अगर जो डिविडेंड हमें मिल रहा है वो हमारा डोमेस्टिक कंपनी से नहीं मिल रहा है, मान लीजिए हमें डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, तो फॉरेन कंपनी से जब हमें डिविडेंड मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा आंसर नो हो गया, और नो का मतलब क्या हो जाएगा कि वो हमारा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या था, ये देखिए ये था हमारा कैजुअल इनकम, ठीक है, कैजुअल इनकम में कौन कौन सी इनकम होती है। कैजुअल इनकम का सिंपल सा मतलब है विनिंग इनकम, जो भी इनकम हम कहीं से जीते हों, जैसे कि लॉटरी,
क्रॉसवर्ड पज़ल हो गया, रेसिंग हो गया, चाहे वो हॉर्स रेसिंग हो, ठीक है, और आपका हम कोई भी चीज़ पे कार्ड गेम्स कार्ड हो गया, एंटरटेनमेंट कोई भी प्रोग्राम पे, मतलब हम गेम खेल रहे हैं उससे हमको इनकम हो रही है, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट होता है, क्रिकेट मैच होता है, उस पर भी देखिए हम लोग सट्टा लगाते हैं, तो उसमें हमारी क्या होती है, उसमें हम पैसे जीतते हैं, तो वो हमारी विनिंग इनकम हो गई, ठीक है। तो विनिंग इनकम की ये जो फाइव इनकम्स हैं ये टैक्सेबल होंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अजम्पशन एंड डिडक्शन, स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी विनिंग इनकम पे, मतलब सच इनकम शैल बी फुल्ली टैक्सेबल, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, मीन्स कि कोई भी विनिंग इनकम पर डिडक्शन नहीं मिलती है, वो पूरी टैक्सेबल होती है। टैक्स रेट हमें 30% जो होता है वो फ्लैट रेट से टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टैक्स रेट सेक्शन 115BB, टैक्स इज चार्ज एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%, ठीक है। अब इसमें भी आपको कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं, इन इनकम्स को, मतलब इन इन चीज़ों को, ये जो फाइव पॉइंट्स लिखे इनको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। इनकम फ्रॉम जॉकी, ठीक है, इनकम फ्रॉम जॉकी मीन्स इनकम फ्रॉम जॉकी फ्रॉम प्रोफेशन, अगर किसी जॉकी को इनकम हो रही है विनिंग की तो वो इस हेड में नहीं चार्जेबल होगा, क्योंकि उसको प्रोफेशन मानेंगे और उसको इस हेड में नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम मोटर कार रैली, मोटर कार रैली से अगर हमें कोई इनकम हो रही है तो वो हमारे स्किल्स और एफर्ट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम, उसको हम कैजुअल इनकम की तरह नहीं लेंगे, बट टैक्सेबल होगी एज अ नॉर्मल इनकम, ठीक है। लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर स्टॉक इन ट्रेड मतलब कोई अनसोल्ड स्टॉक है उसको हमने सोल्ड कर दिया और उससे जो इनकम हो रही है वो इनकम फ्रॉम PGVP के हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। कोई भी एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल नहीं होता है। डिडक्शन, अब जो हमें डिडक्शन मिलती थी 80C to 80U, वो यहाँ पर मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में कोई भी डिडक्शन 80C से 80U की नहीं मिलती है। फिर हम कैलकुलेट, अब हम कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो भी हमारी विनिंग इनकम है। लॉटरी इनकम के अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं, लॉटरी इनकम जितनी भी हमें रिसीव्ड होती है, ठीक है, एक्चुअल में, और लॉटरी इनकम जितनी हम अर्न करते हैं उसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन दी सच इनकम, टैक्स डिडक्टेड सोर्स का मतलब होता है 30% की रेट से जो है वो टैक्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोसीजर, हम ग्रॉसिंग करते हैं, ग्रॉसिंग अप करते हैं, मतलब उसकी ग्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। ग्रॉसिंग कैसे करते हैं, लॉटरी इनकम जो भी रिसीव्ड होती है उसमें से लॉटरी इनकम रिसीव कैसे फाइंड करेंगे, जो भी ग्रॉस लॉटरी इनकम होगी उसमें से माइनस कर देते हैं, ओके, मैं आपको बताती हूँ ये चीज़, ये बेटा मैं बता रही हूँ, ग्रॉस लॉटरी इनकम में से हम माइनस कर देंगे TDS एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है। तो 30% ग्रॉस लॉटरी इनकम से अगर हम TDS हटा देंगे तो जो इनकम आएगा वो हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम लॉटरी इनकम रिसीव्ड, मतलब 70% ऑफ ग्रॉस लॉटरी इनकम। तो ग्रॉस लॉटरी इनकम अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको लॉटरी इनकम रिसीव दे रखा है तो लॉटरी इनकम रिसीव्ड को 70% से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें भी दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो भी विनिंग इनकम है, ठीक है, विनिंग इनकम अगर 10,000 से कम है तो कोई भी ग्रॉसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर विनिंग इनकम हमें कैमल रेस से मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी हमें ग्रॉसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था, इसी में पीछे अपनी स्लाइड में जाते हैं हम, फिर क्या था हमारा ये गिफ्ट, अब हम गिफ्ट डिस्कस करेंगे। गिफ्ट देखिए, गिफ्ट तभी टैक्सेबल होगा जब वो रिसीव्ड हो इंडिविजुअल या फिर HUF को, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन को रिसीव्ड हो या HUF का रिसीव्ड हो। अब गिफ्ट टू टाइप के हो सकते हैं, इन काइंड मतलब कैश में आपको गिफ्ट मिल रहा है, सॉरी इन कैश या फिर इन काइंड, कैश में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है, काइंड इन द सेंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर कैश में मिल रहा है गिफ्ट हमको, तो हम ये देखेंगे
कि जो भी हमें गिफ्ट मिला प्रीवियस ईयर में उसका टोटल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर में हमको किसी ने 10,000 rupees का कैश गिफ्ट दिया, 15 का दिया, फिर 30 का दिया, तो टोटल कितना हो गया, 30 + 15 आपका हो गया 45, 40 + 5 + 10 = 55। तो ये 55 मतलब जितना भी हमको प्रीवियस ईयर में कैश में गिफ्ट मिलेगा उसका टोटल कर लेंगे। अगर वो टोटल 50,000 से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये पॉइंट पड़ेगा कि टैक्सेबल अमाउंट इफ़ एग्रीगेट एक्सीड 50,000। अगर हमारा कैश में जितना भी हमें गिफ्ट मिला है वो 50,000 से ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होगा, जितना भी ज़्यादा होगा वो पूरा टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इन काइंड। अगर इन काइंड मतलब प्रॉपर्टी में, तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम ये देखेंगे कि विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है कि लेस कंसिडरेशन मिल रहा है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो भी हम देखेंगे कि विदाउट कंसिडरेशन है या लेस कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन मूवेबल प्रॉपर्टी, विदाउट कंसिडरेशन तब हम ये देखेंगे कि एग्रीगेट जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। 50,000 से ज़्यादा होगी तभी हमें टैक्स देना है। ठीक है, समझ रहे हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए सबसे पहले क्या काइंड, मूवेबल प्रॉपर्टी ये आपका विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, मूवेबल काइंड में मिला, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, तो हम क्या लेंगे ये वाला पॉइंट, मतलब एग्रीगेट जो भी हमारी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा होगी तभी हमें टैक्स देना है। लेस कंसिडरेशन, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी लेस कंसिडरेशन। अगर लेस कंसिडरेशन होगा मतलब उस जो भी प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी दे रखा है, उसका परचेज प्राइस भी दे रखा है, मतलब कंसिडरेशन प्राइस भी दे रखा है, तो हम कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। हम फेयर मार्केट वैल्यू उसकी टोटल कर लेंगे और हम क्या करेंगे उसका परचेज प्राइस टोटल कर लेंगे। उन दोनों के बीच का डिफरेंस 50,000 से जब ज़्यादा होगा, एक्सीड करेगा, तभी हमें टैक्स देना होगा। ठीक है, सेम एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर होगी तो हम ये देखेंगे कि विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन देखिए होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैम्प वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हमारी 50,000 से ज़्यादा होगी तब हम टैक्स देंगे। ठीक है, मतलब हमें जो गिफ्ट मिल रहा है उसकी स्टैम्प वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेस कंसिडरेशन है, तो भी इसमें भी वही चीज़ है, इस उसमें हमने फेयर मार्केट वैल्यू से डिफरेंस लिया था, इसमें हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बीच में डिफरेंस लेंगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और उसका जो भी परचेज प्राइस है उन दोनों के बीच का डिफरेंस मोर देन, यहाँ पे लिखा है मोर देन द हायर ऑफ 50,000, मतलब 50,000 के ज़्यादा हो या 5% ऑफ कंसिडरेशन हो तब हम उस पर टैक्स हमें देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, गिफ्ट में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब ये जो केसेस आपको दिए हैं ये जितने भी केसेस हैं अगर ये केसेस होंगे तो हमें जो भी गिफ्ट मिलेगा उस पर टैक्स नहीं देना है। पहला केस हमारा क्या है, ये देखिए, फ्रॉम एनी रिलेटिव, हमें गिफ्ट किससे मिल रहा है, रिलेटिव से मिल रहा है। रिलेटिव यहाँ पे मतलब है दो केसेस में देखेंगे, एक तो आपका रिलेटिव हो गया इंडिविजुअल के केस पे और एक हो गया आपका HUF के केस में। रिलेटिव की बेटा यहाँ पे बहुत बड़ी डेफिनेशन है, रिलेटिव मतलब देखिए, हाँ बात करते हैं रिलेटिव की, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड टू वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड। ठीक है, तो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल ये भी रिलेटिव में आ गया, मतलब हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल, भाई बहन, मतलब अगर मान लीजिए SSC के ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनको भी, वो उनसे कोई हमें गिफ्ट मिल रहा है, उनको कोई गिफ्ट मिल रहा है SSC को, उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। फिर बात करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, मतलब हस्बैंड की वाइफ, वाइफ के ब्रदर एंड सिस्टर से गिफ्ट मिल रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। फिर आपका है ब्रदर एंड सिस्टर आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब पेरेंट्स, वाइफ के पेरेंट्स और हस्बैंड के पेरेंट्स,
उन दोनों के पेरेंट्स के साइड से अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई भी अमाउंट है, तो उस पर कोई गिफ्ट नहीं, मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो डेफिनेशन में रिलेटेड जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, हमारी मतलब इंडिविजुअल स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, पेरेंट्स से रिलेटेड जितने भी मौसी, चाची, नाना, नानी, काका, भाई, बहन, ये जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, इनसे अगर हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर हमें टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकेंड पॉइंट, ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, अगर किसी को किसी की मैरिज पे कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। अगर अंडर विल बी पे, सॉरी, अंडर अ विल और वे ऑफ इनहैशमेंट, ठीक है, मतलब अगर इन केसेस में भी हमको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि डेथ ऑफ द पेरेंट डोनर, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसकी डेथ होने वाली है, वो कहता है हम अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपनी डॉटर को गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी उसने गिफ्ट की अपनी डॉटर को, उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर डेथ नहीं होती है डोनर की, ठीक है, मान लीजिए वो बच जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसी की रहेगी। कोई लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी उसको कोई टैक्स नहीं देना होता है। कोई भी फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर हॉस्पिटल, इन सारी जगहों से भी कोई अगर गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। सेक्शन 57, सेक्शन 57 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 56 मैंने आपको पढ़ा दिया, इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दी मैंने आपको। सेक्शन 56 क्या कहता है, डिडक्शन अलाउबल मतलब वो इस सेक्शन में जितनी भी डिडक्शन, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड जो भी डिडक्शन है वो हमको इस हेड में मिलेंगी, मतलब इस सेक्शन में डिडक्शंस के बारे में मिला है कि कहाँ कहाँ पे हमको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे डिडक्शंस लिखी हुई है, जैसे कि आपको इन केस ऑफ डिविडेंड, अब हमें डिविडेंड पे डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट की डिविडेंड तभी मिलेगी जब वो अंडर सेक्शन 115 ओ की हो, ठीक है, या फिर इनकम कंसिस्ट ऑफ द रिकवरी ऑफ द एम्प्लॉयर एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी रिकवरी हुई है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ द मशीनरी प्लांट फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग, अगर ये चीज़ें हमने हायर की है विद और विदाउट बिल्डिंग तो उसके रिपेयर अगर हम करा रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, या डेप्रिशिएशन हम, या एब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन, इन पे भी हमको डिडक्शन मिलती है। फैमिली पेंशन हमको मिल रही है तो हम ये देखेंगे कि फैमिली पेंशन की जितनी भी अमाउंट है उसका 33% या 15,000 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा उतनी की डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, मैंने आपको इनकम बताया था, इनकम में एक पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, उस जितनी भी अमाउंट हमको इनकम इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन से रिसीव्ड हुई है उसकी 50% डिडक्शन हमको सेक्शन 57 में मिल जाती है, मतलब उस पर हमें 50% के अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसी तरीके से एनी अदर एक्सपेंडिचर इज नॉट नेचर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई एक्सपेंडिचर नहीं है तो उसकी भी डिडक्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगी। सेक्शन 58 क्या कहता है, मतलब इस सेक्शन में वो सारे हमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जिन पे हमें डिडक्शन नहीं मिलती है, डिडक्शन नॉट अलाउबल का मतलब है यहाँ पे हमको इन इन चीज़ों पे डिडक्शन नहीं मिलेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, अदर सोर्सेज में, ठीक है। एसएससी की कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर होंगे उस पर हमको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एनी इंटरेस्ट चार्ज टू द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब कोई भी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है बट पे कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, उन पे भी कोई भी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऐसे ही कोई भी पेमेंट हम कर रहे हैं सैलरी हेड में बट पेबल हो रहा है आउटसाइड इंडिया अनलेस टैक्स हैज़ बीन पेड, ठीक है, तो अगर आउटसाइड इंडिया है तो उसमें भी हमको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये सब पॉइंट्स लिखे हैं जिन पर हमको डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बताऊंगी कैसे हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग स्लाइड को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।